धार जिले के धर्मपुरी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम शुरू किया, जिसमें गेहूं खरीदी केंद्र पर पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। गेहूं खरीदी केंद्र पर एक दिन से 10 ही किसानों से गेहूं खरीदी का काम किया जा रहा है। वहीं जब किसान गेहूं खरीदी केंद्र पर पहुँचते हैं तब उनको सबसे पहले अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाना होता है। उसके बाद उन्हें पहले पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर मास्क दिया जाता है। इसके साथ साथ इन्हें सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही गेहूं खरीदी पर केंद्र पर कार्यरत हमालों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और उन्हें बाद में उनके गेहूं खरीदी का काम करवाया जा रहा है। इस तरह कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच गेहूँ खरीदी केंद्र समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदने का काम पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा है। धर्मपुर से कैलाश मावी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? रवि तलंग। किस पद पे हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या किस तरीके से गेहूं खरीदी की व्यवस्था चल रही है? समय पर गेहूं खरीदी की व्यवस्था जो शासन के आदेश अनुसार चल रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और हर किसान जैसे ही आता है ट्राली लेके उसे मास्क और सैनिटाइजर से हाथ धुलाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। कितने किसानों से खरीदी की? पर डे 6 किसान और आज 4 किसानों से खरीदी और 2 किसान और आने वाले हैं जिन संपर्क किया गया है। वो एक किसान आएगा, एक व्यवस्था ना होने के कारण वो नहीं आएगा। कल भी 6 किसानों को मुकेश पाटीदार सहायक निरीक्षक। यहाँ पर समर्थन मूल्य में गेहूँ की खरीदी की जा रही है। किसानों को छाया के लिए शेड पर, पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं हाथ धोने के लिए पानी साबुन की व्यवस्था की गई है और किसानों के द्वारा समिति द्वारा खरीदी की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।